स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, इसके वर्टिसेस ए के हैं, पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर है बी, सी का पोजीशन वेक्टर है सी। तो हमारे पास ए बी सी, दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। Show that the area of triangle is half of A cross B plus B cross C plus C cross A. उसके बाद हमें condition collinearity की prove करनी है that A cross B plus B cross C plus C cross A is zero. और third है हमारे पास length of perpendicular from C on AB is A cross B plus B cross C plus C cross A upon magnitude of B minus A. तो अब जब हमने area of triangle निकालना है, triangle को मैं इस delta के symbol से denote करता हूँ, that is अगर हम A के पोजीशन वेक्टर से लेते हैं तो AB क्रॉस AC लेते हैं, AB क्रॉस AC लेंगे। अगर हम B से स्टार्ट करते हैं इसमें तो वो होगा हाफ ऑफ B, B से स्टार्ट करेंगे तो BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड लेंगे, और अगर हम C से स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास C से CA क्रॉस CB के बराबर। हम किसी भी मेथड से कर लें, हमारे पास एंड रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। अब जैसे हम पोजीशन वेक्टर ए बी लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ए बी जब लेंगे तो बी के पोजीशन वेक्टर में से बाद वाले पॉइंट में से हम पहले वाला माइनस करते हैं तो इसका आएगा पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। उसके बाद जब हम ए सी लेते हैं तो वो आएगा पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। नाउ अब हम सबसे पहले ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ये आ जाएगा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी का पहले हम सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये आ जाएगा बी क्रॉस सी, फिर बी का ए के साथ लेंगे माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, फिर ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और बाद में ए का ए के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अब यहां पर ए क्रॉस ए जो है वो जीरो होगा क्योंकि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, और माइनस ए बी क्रॉस ए को हम लिख देंगे ए क्रॉस बी क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो ये ए क्रॉस बी माइनस और बी क्रॉस ए के बराबर होता है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन का फर्क पड़ेगा, तो ये आएगा बी क्रॉस सी माइनस ऑफ माइनस ए क्रॉस बी माइनस ऑफ माइनस सी क्रॉस ए, और साथ में ए क्रॉस ए जो है वो जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो यहां से ए बी क्रॉस ए सी उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर। अब इसको हम जब यहां पर ये है सी क्रॉस ए आ जाएगा, अब हम इसको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल में लिख देते हैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए बी क्रॉस ए सी ये आ जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, इसको सिमेट्री में लिख देते हैं, प्लस बी क्रॉस पी सी प्लस सी क्रॉस ए। नाउ फॉर पॉइंट्स ए बी सी टू बी द कॉलिनियर, फॉर पॉइंट्स ए बी सी टू बी कॉलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी जीरो, दैट मीन्स हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए दैट शुड बी जीरो। तो यहां से ये आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू हमारे पास कंडीशन बन जाएगी कोलिनियरिटी की, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू जीरो। सो दिस वन इज द कंडीशन फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी, ये हमारे पास प्रूव करनी है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस सी। अब हमें यहां से सी की ए बी से परपेंडिकुलर की लेंथ देते हैं, तो यहां से हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से सी डी ऑन ए बी, तो यहां से हम इस परपेंडिकुलर को पी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर सी ऑन ए बी, तो यहां से सी डी वैक्टर जो है वो पी वैक्टर से डिनोट कर देते हैं।
नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ परपेंडिकुलर सीडी इंटू बेस ए बी, सीडी वेक्टर इंटू ए बी, ये हमारे पास है। तो यहां से एरिया आ जाएगा हाफ, इसको हम परपेंडिकुलर पी वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर। नाउ ए बी वेक्टर हमारे पास क्या है, ए बी दैट इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर बी माइनस पोजिशन वेक्टर ए, तो ये आ जाएगा हाफ पी इंटू पोजिशन वेक्टर बी, इसका ये मैग्नीट्यूड है तो इसको हम सिंपल पी से डिनोट कर देंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये हमने प्रूव किया है, दिस इज सेकंड। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हाफ ऑफ पी इंटू बी माइनस ए दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, यहां से हाफ कैंसिल हो गया यहां से, और ये जो b माइनस ए है ये डिनोमिनेटर में जाएगा और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस ए। सो दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 1 2 2 3 5 1 5 5। सबसे पहले हम इसकी जो है फिगर जो है ड्रॉ कर लेते हैं और इनके पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5। अब जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो अगर हम एक वर्टेक्स ए चूज करेंगे तो यहां से एरिया आएगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। हम कोई भी फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी से हम शुरू करेंगे वो आएगा बी ए क्रॉस बी सी, अगर C से शुरू करते हैं एरिया आएगा सी ए क्रॉस ई बी के बराबर। अब हम पोजीशन वेक्टर जैसे हैं ये A, B और C है, अगर हमने A, B पोजीशन वेक्टर लेना है तो हम B के पॉइंट्स में से A के पॉइंट्स माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू आई कैप, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस 5 माइनस 2 इंटू के कैप, तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हमारे पास ए बी के पोजीशन वेक्टर आ जाएगी। उसके बाद हम ए सी के पॉइंट्स लेंगे, ए सी के पॉइंट्स जब हमने वेक्टर लेना है तो सी में से हम ए के पॉइंट्स माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 5 माइनस 1 इंटू जे कैप प्लस 5 माइनस 2 इंटू के कैप, तो ये आ जाएगा 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। नाउ हम ए बी और ए सी का हम जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी, ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, पहले हम इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे आई जे के के। अब ए बी के कंपोनेंट्स लिखते हैं 1, 2 एंड 3 और ए सी के लिखेंगे या जाएंगे 0, 4 एंड 3। अब इसको एक्सपेंड करते हैं आई कैप इंटू 2, 3, 4, 3 माइनस J कैप इंटू 1, 0, 3, 3 प्लस K कैप इंटू 1, 2, 0, 4, आ जाएगा I कैप इंटू 6 माइनस 12 माइनस J कैप इंटू 3 माइनस 0 प्लस K कैप इंटू 4 माइनस 0, आ जाएगा माइनस ऑफ 6 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 4 K कैप। अब इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC ये हमारे पास आएगा स्केयर रूट ऑफ माइनस ऑफ 6 स्केयर प्लस माइनस ऑफ 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर, ये आ जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 61। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, सो ये आ जाएगी वैल्यू हाफ ऑफ रूट 61, तो ये वैल्यू बन जाएगी रूट ऑफ 61 अपॉन 2 स्केयर यूनिट। So this is the answer. Next question है A, B और C के components हमारे पास दिए हैं vectors. Find the vector D which is perpendicular to A and B and C dot D is equal to 1. Now इसमें हम मान के चलते हैं let vector D that is xi cap plus yj cap plus zk cap. Now
डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड डी इज परपेंडिकुलर टू बी. दैट मीन्स डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. अगर डी दोनों पर वेक्टर्स ए और बी के परपेंडिकुलर है तो डी जो है दैट इज पैरेलल टू प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी. तो दोनों एक प्लेन में लाई करेंगे तो हमारे पास डी जो है उस पूरे प्लेन के पैरेलल होगा. अगर एक वेक्टर दूसरे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल है सो डी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी. पैरेलल की कंडीशन है कि वो वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल होगा. नाउ हम इसमें ए क्रॉस बी लेते हैं. उसके लिए हम पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. आई जे के कंपोनेंट्स लिखे. अब पहले ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे. ए वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप. इसमें के का कंपोनेंट नहीं है तो इसको लिखेंगे 1-1 0. उसके बाद बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे 3i-k. तो इसमें जे का कंपोनेंट नहीं है इसको लिखेंगे 3-0-1. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. आई कैप माइनस 1-0-0-1 इसको डिटर्मिनेंट मेथड से एक्सपेंड करेंगे. 1-3-0-1 प्लस के कैप इंटू 1-3-1-0. अब यहां से हमारे पास आएगा आई कैप इंटू 1-0 माइनस जे कैप इंटू -1-0 प्लस के कैप इंटू 0+3. तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप. ये हमारे ए क्रॉस बी आया है. इसका मतलब डी वेक्टर हमारे पास क्या है लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी. तो इसको हम लिखेंगे फिर डी को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप. नाउ इसमें हमारे पास एक्स वाई जेड के कॉम्पोनेंट फाइंड करेंगे. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं. ये आ जाएगा लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3λk कैप. तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा. वाई भी हमारे पास आ जाएगा लैम्डा और जेड आ जाएगा 3λ के बराबर. नाउ तीसरी कंडीशन हमारे पास दी है सी डॉट डी इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स सी हमारे पास है 7i-k डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू 1. तो यहां से आ जाएगा 7x-z इज इक्वल टू 1. अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे 7λ-3λ = 1. ये आ जाएगा 4λ = 1. यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/4. तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1/4, y की वैल्यू 1/4, z की वैल्यू आ जाएगी 3/4. d वेक्टर हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो ये आ जाएगा 1/4i प्लस 1/4j प्लस 3/4k. सो दिस वन इज दी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर दिया है 2i प्लस j कैप माइनस k कैप. बी वेक्टर दिया है 4i माइनस 7j प्लस k कैप. फाइंड अ वेक्टर बी सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 6. अब हमारे पास सी वेक्टर फाइंड करना है. हम इसको मान के चलते हैं लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. तो यहां से हम लेते हैं पहले ए क्रॉस सी. इसको लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप. अब सबसे पहले हम ए के कॉम्पोनेंट्स लिखेंगे 2-1-1. सी के हैं एक्स वाई जेड. अब हम इसको डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करते हैं. आई कैप 1-1 YZ - j कैप 2X-1Z प्लस K कैप 2-1X and Y. तो यहां से आ जाएगा I कैप Z प्लस Y माइनस J कैप 2Z प्लस X प्लस K कैप 2Y-X. नाउ हम A क्रॉस C को इक्वेट करेंगे B के साथ. ये आ जाएगा I कैप इंटू जेड प्लस वाई माइनस जे कैप इंटू 2Z प्लस एक्स प्लस के कैप इंटू 2Y-X. और बी वेक्टर हमारे पास है
4i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप। नाउ हम यहां पे i के कंपोनेंट्स को जब इक्वेट करेंगे, इधर से है z प्लस y दैट इज इक्वल टू 4, माइनस ऑफ 2z प्लस x इज इक्वल टू माइनस 7, 2y माइनस x इज इक्वल टू 1। यहां से माइनस कैंसिल हुए तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, z प्लस y इज इक्वल टू 4, 2z प्लस x इज इक्वल टू 7 एंड 2y माइनस x इज इक्वल टू 1। नाउ अब इसमें हमारे पास जो है एक कंडीशन दी है, a डॉट c इज इक्वल टू 6, a डॉट c इज इक्वल टू 6, यहां से आएगा फिर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट xi कैप प्लस yj कैप प्लस z के कैप दैट इज 6। तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 6। अब यहां से हम y और z इनकी वैल्यूज जैसे निकालते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 4 माइनस z फर्स्ट इक्वेशन में से, और x की वैल्यू निकालते हैं वो आ जाएगी 7 माइनस 2z। सारी वैल्यूज हम z की टर्म में निकाल ली। अब यहां हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे, ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 2z प्लस 4 माइनस z माइनस जेड इज इक्वल टू 6, 14 माइनस 4z प्लस 4 माइनस जेड माइनस जेड इज इक्वल टू 6। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 प्लस 4 18, माइनस 4z माइनस जेड 5z हो गया, माइनस 6z इज इक्वल टू 6, तो 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 6z, यहां से 6z की वैल्यू आ जाएगी 12 और z की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। तो यहां से जब हमारे पास z 2 आ गया, अब हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। x है हमारे पास 7 माइनस 2z, z की वैल्यू 2 पुट की, 7 माइनस 4 तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे, y है 4 माइनस z यानी y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, यहां से y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो c वेक्टर हमारे पास है एक्स आई कैप प्लस वाई के कैप प्लस जेड के कैप, तो c वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 3 जो है x है 3, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सो दिस वन इज द आंसर।